अब मुझे नहीं पता नेक्सॉन का एक कौन सा फीचर है कि नेक्सॉन को लग रहा था कि उसको कोई चोरी कर रहा है, हम तो पेट्रोल भरवा रहे थे। पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही ऑन करा तो एकदम से हेलो 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 अल्फा 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 माइक चेक ब्लैक कमांडो इन सर्विस सर, आइए सर बैठिए। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड और सवारी चल चुकी है मेरठ की ओर विद माय क्रू जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है पहले, और आज मैं पूरा ब्लैक कमांडो बन के। हेलो हेलो जा रहे मेरठ, और आज हम पूरा ग्राइंड कर रहे हैं अपने पूरे क्रू के साथ, ठीक है। नॉट द सोलो शो, आज करेंगे पूरा इससे प्रॉपर संगीत नाइट वेडिंग शो। तो अपन चलेंगे मेरठ, और उसके बाद मेरठ खत्म करके रात को इन सबको घर छोड़ के मैं निकल जाऊंगा सीधा लखनऊ। मुझे जाना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2, वहाँ से निकल के अपन चले जाएंगे लखनऊ, हमारे एक दोस्त की शादी है वो अटेंड करने। क्या हुआ गिरा? पहली बार जिंदगी में नई गाड़ी लॉक हो गई है। हेलो प्रमोद जी, एक बात बताओ यार, मेरी ये नई गाड़ी थी अभी वो अपने आप ही इंजन लॉक हो गया इसका। हाँ वो लिखा रहे इंजन लॉक स्टार्ट ही नहीं हो रही, क्या किया जाए? दो फटाक से कि तुम हाईवे पर हूँ, मैं तो पेट्रोल भरवा रहा था, पेट्रोल भरवा तो रहते अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो एकदम से वो स्क्रीन पे आते हैं इंजन लॉक्ड, मैं कहा ये क्या हो गया। तो अब एक जरा टाटा वाटा फोन करा है, वो कह रहे हैं आप ऐसे लॉक करो और 5 मिनट के लिए गाड़ी छोड़ो, अपने आप वो रिफ्रेश लेगी फिर गाड़ी खड़ी करेगी। नई गाड़ी खराब नहीं हुई है, गाड़ी खुद करी, मैं नहीं चलूंगी, तुम मुझे चुरा रहे थे। और कौन सी गया फंसे हुए वैसे? अब मेरे हाईवे पर है, नीचे उतरे थे पेट्रोल भरवाने के लिए, और वहाँ पर मेरा इवेंट स्टार्ट हो चुका है, मेरा क्रू पूरा चढ़ चुका है स्टेज पे, मतलब चढ़ के जाए साउंड चेक वगैरह कर लिया, वो तो रात को ही शुरू होगा। क्लाइंट का मेरे पास कॉल आ रहा है, आप कहाँ हो? तो मैं क्या आ रहा हूँ, किसी को ये नहीं बताया। अब इसको 5 मिनट लगते, 10 मिनट आधा घंटा देखो क्या है, कोई टाटा वाले से बात हो रही है। मैं यूट्यूब से देख के कर रहा हूँ, ऐसे खुलेगी गाड़ी अब। इजीली आपका जो है इग्निशन ऑन हो गया है, और गाड़ी जो है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, और अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा। ये करने से पहले मेरे पास वो आया है फ़ोन, वो नंबर आया जो टाटा वालों का, तो उनसे बात की जाए पहले कि पता लगा हमने कूड़ा ही कर दिया कुछ अपने हिसाब से देख के कि क्या करना है। अरे आईफोन में नंबर भी नहीं पेस्ट होते। हाँ हो, कह रहे हैं अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन ये है, दे करके देख लो, बैटरी की तार हटाओ 10 मिनट के लिए, उसके बाद लगाओ, और नहीं होती तो फिर गाड़ी टोगी। और लो फीचर वाली गाड़ी, सेफ्टी फीचर है ये कि उस गाड़ी को लगता है कि कोई उसको चुरा रहा है तो वो इंजन बंद कर देती है। अब अगला स्टेप बताया उन्होंने कि ये जो नेगेटिव वाली तार है उसको आप हटा दो 10 मिनट के लिए, फिर देखो। अब उसको हटाऊँ कैसे, अंदर से निकालता हूँ चाबी पाना, मैकेनिक भी बन चुका। ओह हमारी गाड़ी में ये भी है इलेक्ट्रॉनिक हवा भरने का पंप, इसे बोलते रईसी, हमने ले रखा हमें पता ही नहीं है। गर्म होगा बहुत भाई, हो गया साउंड चेक, एक छोटी सी हेल्प चाहिए। गाड़ी खाली लेके आना क्योंकि मेरे पास वो ताशे वाला बैग है पूरा, ठीक है। यही तो खोलना है बस, ये खोल के हटानी है 10 मिनट के लिए। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फर्क नहीं पड़ता आप पैसा बना रहे हो, ज्यादा बना रहे हो, कम बना रहे हो, स्ट्रगल्स आर ऑलवेज। फाइनली हमारी मदद आ चुकी है, श्री 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 खोलो, श्री 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 108 विनोद जी, हमारी मदद, हमें रेस्क्यू कर लिया गया, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया और अपनी गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ के आए हैं। और फाइनली एट द वेन्यू दमन में वी हैव ऑटोमेटिक लिफ्ट, फुली एसी बीसी डीसी है।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सब आज जो वाट लगी है ना नई गाड़ी में, क्या होगा भाई? उसमें कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है, आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर बग आ गया है। मतलब ज्यादा ज्यादा वो फीचर भी अच्छे नहीं होते, इंजन लॉक हो गया उसका, स्टार्ट नहीं हो रही। और हम हो रहे हैं रेडी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमें स्टेज लाने वाले हैं। दुनिया यहाँ कंगी करती है, मैं यहाँ करता हूँ। जस्ट टू गिव अ गुड लुक टू माय दाढ़ी। और सारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, बट हम बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। हमने अभी क्लाइंट को फोन करके पूछा कि हम आ जाए, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था 20 मिनट में आ जाना। फिर हमने पूछा, हम निकले, कह रहा नहीं अभी आराम करो। तो हमारे पास कुछ नहीं है। और जो मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हुई है, ब्रेकडाउन क्या पता नहीं क्या सीन है, तो टाटा वाले से फ़ोन करके पूछ लिया है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अब यहाँ से रात को सारी गाड़ियाँ जाएंगी एक साथ और हम खुद कुछ करके देखेंगे कुछ होता है। और सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि फ्लाइट मिस ना हो कैसे भी करके, इसलिए मैं इवेंट जल्दी भी खत्म कर सकता हूँ। मैं अपनी भी आ गया तो मैं इतना टैलेंट हूँ, मैं अगर मैं शुरू चढ़ गया कंसोल पर, मैं 40 मिनट में लोगों को थका के गिरा भी सकता हूँ, फिर वो खुद ही बोलेगा खत्म। कौन बजाए 2 घंटा, बट स्टिल आई विल गिव माय बेस्ट। पता नहीं कैसा रास्ता है इसमें, शाहरुख खान सीखना पड़ेगा। हेलो, कितनी दर्द हो रही है दिल में मेरे। सर मैं गदर 2 आ रहा है, चल नहीं देखूंगा आपको शर्म नहीं आती? कैमरा चल रहा है, गालियां दे रहे हो। ऑन कैमरा, ऑन कैमरा कोई तमीज है? नहीं, पहले आपको वो बोलना चाहिए। क्या? कट कट कर देना प्लीज इसे। अब मैं आइए आपको इसका इंट्रोडक्शन, मेरा इतना वीडियो मत कर रहा हूं, ब्लॉग ब्लॉग आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ब्लॉग हिट हो जाएगा। His name is Mr. Rishi Panda. इनका टैलेंट ये है कि ये डुअल एम्प्लॉयमेंट करते हैं। सो अभी आपको ये थोड़ी देर में एज अ परकशनिस्ट दिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए, पेलते हुए, पूरे जोश एनर्जी के साथ, पर ये दोहरी जिंदगी के शिकार है। अभी 10 मिनट पहले कुछ बात हो रही है यहाँ पे, वो भी बात कर रहे बोले आप बात करिए। 10 मिनट पहले ये इंसान अपने लैपटॉप खोल के ऑफिस का काम करके केसेस सॉल्व कर रहे थे। जज साहब हैं ये, जज ये सारे पेटीएम के केसेस इनके पास थे। पेटीएम के ऑफिशियल जज हैं, बिना पढ़ाई वाले। नहीं पढ़ाई करी है, जज की पढ़ाई तो नहीं करी ना, जज की पढ़ाई नहीं, फिर भी लेकिन केस सॉल्व करते हैं, अपने ऑर्डर सुनाते हैं। तो अगर पेटीएम में किसी का पैसा फंस गया, आप इनको टैग करें ट्विटर पे और मैं यू रेजोल्यूशन देंगे, यू आपका अकाउंट सस्पेंड, पैसे इनकी जेब में। दिस इज बिजनेस। नहीं, वो जितने पैसे हैं उसका 30% 30% का मार्जिन ये रखते हैं, बाकी सारा केस आपको सॉल्व करवा देंगे। 10 रुपए में से 3 रुपए वो फोन इनके नंबर से जाएगा ताकि मेरा ट्रेस ना हो। बाकी से भी धीरे धीरे से टाइम मिलेगा, मैं सबसे मिलवाऊंगा, अभी तो हम खुद ही हड़बड़ी। हाँ जी, तो आज आप इतनी लेट प्ले करने वाले हो, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जिन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने बोला 5 बजे हमारा इवेंट स्टार्ट होगा और आपका नंबर जो आ जाएगा वो भी 8-9 बजे तक मैक्सिमम, और शुरू ही लेट हुआ। अब क्या बज रहा है, 11:15 और अभी तक शुरू होने कोई नामो निशान नहीं है, तो इसलिए हम चिल कर रहे हैं। जब शुरू होगा उसके बाद एक ही बार चढ़ेंगे स्टेज पे, फोड़ फाड़ के उतर जाएंगे। और मेरी बिगड़ी हुई गाड़ी मेरा वेट कर रही है, उसके पास जाके उसको ठीक करना है और फिर एयरपोर्ट निकलना है। टास्क के टास्क